अच्छा है कि तू निकला इम्पोर्टेंट। या तो इनका टैक्सी स्लेव बनना पड़ता है। ये आइसक्रीम चाटते हुए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो भाई अभी हम लोग जा रहे थे अपने गौरीगंज में, एक थिएटर खुला है। तो खुला क्या, उसका वीडियो तो मैं पहले ही बना चुका हूँ। जा रहे थे आज एक मूवी देखने, द केरला स्टोरी, जो आजकल बहुत चर्चे में है। तो हम नीरज और भैया सब लोग जा रहे हैं। अभी ये गाड़ी निकालते हैं और उसके बाद इसको निकालते हैं, फिर फटाफट चलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। 12 बजे का शो है और 11:50 यहीं हो गया है। 5 मिनट लगेगा वैसे पहुँचने में। भाई हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, शायद हम लोग जा रहे हैं पिक्चर देखने, पिक्चर हो गया है। सब चलते हैं फटाफट। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, गाड़ी यहाँ पार्किंग में लग चुकी है और ये देखिए पोस्टर लगा है। तो ये हमारे संगम भैया, ये देखिए पोस्टर लग चुका है। ये भाई मैं आया था एक दिन और पहले देखने, लेकिन उस दिन मतलब यहाँ आई ही नहीं थी। तो 12 तारीख को आई, आज 14 तारीख है, किसी के लिए वेट कर रहा था। हमें तो देखना है द केरला स्टोरी। लो भैया टिकट दे दिए, ये देख सकते हैं डायमंड का इतना, गोल्ड का इतना, ये भाव नहीं लिखा है, सीट का दाम लिखा है। ये देखिए ये पूरी टाइमिंग लिखी है, आप देख सकते हैं ऑडी 1 ऑडी 2 कार नहीं स्क्रीनिंग है। तो चलते हैं अभी देख के आते हैं। भाई टिकट हम लोग को मिला नहीं, ऑनलाइन मैसेज आ गया, भाई तरक्की कर रहा है अपना इंडिया। जो भैया ये लिफ्ट लगी है पर ये भैया चालू नहीं है, शायद चालू नहीं है, नहीं चालू। चलो भैया पैदल पग यात्रा, सौ सीढ़ी दौड़ो, चल चल। भाई मेहनत करवाएंगे, उसके बाद एसी लगी है ना, जब तक पसीना नहीं होगा तब तक एसी काम कहाँ करेगी। चलते हैं। बोला बोला शर्माओ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं थिएटर में, अब चलते हैं सीट ढूंढते हैं, सीट ढूंढ के फिर बैठते हैं। ये देखिए स्क्रीन 1 ये है, स्क्रीन 2 वहाँ है और ये लगे हैं पोस्टर, ये लगा है पोस्टर। तो फटाफट चलते हैं अंदर। मुझे भी नहीं लगा कि मैं जिंदा बच पाऊंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सेविंग माय लाइफ। सर मेरी बेटी मुझसे छीन ली गई और जो लोग उसको लेके गए ना वो बहुत डेंजरस लोग हैं। तो लोग क्या करेंगे उससे सर, प्लीज चश्मे का व्यवस्था नहीं लिखा पर भाई तो विराम बना रहे कुछ नहीं। उधर यूके और यूरोप से हर महीने 25-30 लड़कियां अपनी मर्जी से सीरिया पहुंच रही है। अपनी दोनों आंखों को बंद करके महसूस करो, उससे दुआ मांगो। श्री राम निकल रहा है। करने का झूठा नाटक किया ताकि तुम हमारे साथ सेक्स कर सको, प्रेग्नेंट करना था ना, ये तो अच्छा है कि तू निकला इम्पोर्टेंट। यहाँ जिनके मर्द जंग में मर जाते उनको या तो इनका सेक्स स्लेव बनना पड़ता है या बदन के बॉम्ब बांध के अल्लाह अकबर बोल काबिरों पर कूद जाना पड़ता है। तो
गाइस हम लोग देख चुके हैं पिक्चर और भाई बहुत मतलब लव जिहाद के ऊपर है पूरी पिक्चर और भाई बहुत इमोशनल है। और आना तो भाई क्या कहते हैं फैमिली के साथ आके देखो, भाई बहन मम्मी पापा सबको लेके आओ, सबके साथ देखो। और हिंदू भाई तो जरूर आओ आप सब लोग आके देखो भाई। और पिक्चर मतलब आप इमोशन है, इमोशन है पिक्चर नहीं इमोशन है। और आपको कैसे लगी भैया पिक्चर? फिल्म तो बहुत बढ़िया है, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है और जो हमारे देश में हो रहा है, नॉट सिर्फ केरला में ही नहीं पूरे भारत में और अन्य देशों में भी जो हो रहा है, लड़कियों को मतांतरण करना और उसके बाद उनको दूसरे देश में ले जाना, उनका शोषण करना, उनके जिहाद और फैलाना, उनका मतलब धर्म आप चेंज करवा देते हैं, मतलब उन्हें जागरूक करती है, स्पेशली हमारी बहन बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वे फिल्म जरूर देखें और खुद भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें कि ऐसे किसी लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। अगर आप कोई भी एक किसी एक रिलेशनशिप में जा रही हैं किसी भी लड़के के साथ, प्यार मोहब्बत जो भी है, तो उसको बिना जाने पहचाने ऐसे भी आप किसी से रिलेट नहीं कर सकते, तो बहुत जरूरी है भाई आके सिनेमा में जाइए और बिल्कुल देखिए। हाँ आप आके देखिए लोग घर की तरफ, तो चलते हैं फटाफट निकलते हैं भाई, पिक्चर तो हो गई है खत्म। पर जागरूक होना ज्यादा जरूरी है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए भाई। तो भाई अभी गार्ड लगवाने आए थे पर गार्ड यहाँ है नहीं मोबाइल का, और क्या कहते हैं तब तक सोचा कुछ गर्मी पड़ रही तो कुछ आइसक्रीम हो जाए। हम भैया अभी सब लोग पिक्चर देख के बस आए ही, अरे हाँ आइसक्रीम आइसक्रीम खा के फिर चलते हैं घर, और पहले गार्ड लगवा लेते हैं उसके बाद चलते हैं। आइसक्रीम में चाट के देखो ये आइसक्रीम चाटते हुए तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर मूवी देख के, आइसक्रीम आइसक्रीम खा के स्क्रीन गार्ड लगवा के सब लोग आ चुके हैं हम और भैया। और वो अब आपसे मिलते हैं बाद में किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई जो जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पिक्चर जाके जरूर देखिएगा, जरूर से ज़रूर देखिएगा एक बार जाके। और बस अब मिलते हैं आपसे एक नए और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।